लंबे अरसे से प्रभार में चल रहे नगरपालिक निगम रीवा को आखिरकार कमिश्नर मिल ही गए। सबरजीत यादव ने आज कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया। सबरजीत इससे पहले कलेक्ट्रेट में थे और लंबे अरसे तक रीवा में रहे। बतौर एसडीएम उन्होंने रीवा की कमान संभाली थी। अब नगर निगम आयुक्त के रूप में आपको नजर आएंगे और नगर निगम की कमान संभालेंगे। नगरपालिक निगम रीवा में सरकार बदलने का असर नजर आने लगा है। पहले नगर निगम से गए शैलेन शुक्ल, उसके बाद कमिश्नर आरपी सिंह, उनकी जगह आए हैं सभाजीत यादव। उन्होंने गुरुवार को नगर निगम पहुंचकर पदभार ग्रहण कर अधिकारियों कर्मचारियों से सौजन्य मुलाकात की। हम आपको बता दें, सभाजीत यादव के लिए रीवा कोई नया शहर नहीं है, यहाँ पर एडीएम रह चुके हैं, रीवा के भूगोल को बेहतर समझते हैं। अब देखते हैं वह नगर निगम को कैसे चलाते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम के अपने बहुत सारे दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का सम्यक पूर्वक निर्वहन कराया जाए, ये अपना प्रथम कर्तव्य है। दूसरा कि शासन की बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी नगर निगम को द्वारा किया जाता है, विशेष करके कमजोर वर्गों के लिए, तो इनको भी जो है मतलब प्राथमिकता के तौर पर लोगों को जो है उनका लाभ मिल सके, ये कार्य अपनी प्राथमिकता का है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि ये नगर निगम जो है वो अपना स्थान बनाए आप लोगों के सहयोग से। बस अपनी और कोई प्राथमिकता सर, चुनौती क्या मानते हैं आप? देखिए, चुनौती कुछ भी नहीं है, हर समस्या का समाधान है। तो बेसिकली अपने पास कोई चुनौती जैसी चीज नहीं है। लोग, हम सब मिलकर के और सभी नागरिक अपने कर्तव्य का, दायित्व का, जिसके पास अधिकार है वो अपने दायित्व का पालन करें और आम नागरिक भी अपने कर्तव्य का पालन करे, यही महत्वपूर्ण चीज है। पहले भी रह चुके हैं? बिल्कुल रह चुका हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं एडीएम एडिशनल कलेक्टर रीवा रहा हूँ और 100 साल मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए शायद मुझे दोबारा जो है रीवा आने का अवसर मिला है। मतलब रीवा के अच्छा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं।